हेलो एवरीवन, पीएम सम्मान किसान निधि को लेके एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पर पीएम सम्मान किसान निधि की केवाईसी को काफी इजी बना दिया गया है और पीएम सम्मान किसान निधि के पोर्टल को काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। जी हां, आज के इस वीडियो में आपको पीएम सम्मान किसान निधि की केवाईसी कंप्लीट करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार ऐसे इजी प्रोसेस बताऊंगा, जिसका उपयोग करके आप अपने घर बैठे हुए पीएम सम्मान किसान निधि की ई केवाईसी को अपने मोबाइल फोन से कंप्लीट कर पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। पीएम सम्मान किसान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, या फिर अपने किसी भी ब्राउजर में, मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर के ब्राउजर में आपको सिंपल सा टाइप करना है pmkisan.gov.in। जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह की वेबसाइट आपके सामने खुल के आएगी, कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको आ जाना फॉर्मर कॉर्नर में। यहाँ पर देखिए ई केवाईसी का जो ऑप्शन है फिर से दोबारा से शो कर दिया गया, दोबारा से इस वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया, जहाँ से आप पीएम सम्मान किसान निधि की ई केवाईसी मोबाइल फोन के ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीएम सम्मान किसान निधि की ई केवाईसी करने के लिए इसका जो ऑफिशियल ऐप बनाया गया है, उसके थ्रू भी आप पीएम सम्मान किसान निधि की ई केवाईसी को कम्प्लीट कर सकते हैं। इस ऐप का आपको लिंक किसी वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर अपने आप प्ले स्टोर में जाकर पीएम किसान मोबाइल ऐप लिख के डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ओपन कर लेंगे, और इसमें दिए गए सारे ऑप्शंस को फॉलो करते हुए आप पीएम सम्मान किसान निधि की केवाईसी को कंप्लीट कर पाएंगे। यह तो हो गई दो ऑप्शंस की बात। जो तीसरा इसका ऑप्शन है, उसका जैसा कि सीएससी के थ्रू सभी लोगों का पीएम सम्मान किसान निधि का बायोमेट्रिक के थ्रू ई केवाईसी कंप्लीट हो रहा, उस प्रोसेस से भी आप पीएम सम्मान किसान निधि की ई केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि इसमें कभी कभी वेबसाइट की दिक्कत आ जा रही है, या फिर आपको सीएससी सेंटर पर जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप मोबाइल फोन के जो इसका ऑफिशियल ऐप है उसके थ्रू करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, या फिर ई केवाईसी के थ्रू जो इसके वेबसाइट पर लिंक दिया गया उसके थ्रू भी आप पीएम सम्मान किसान निधि की ई केवाईसी घर बैठे हुए मोबाइल फोन से कर सकते हैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो चैनल पर बना रखा है, आप जाके चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं और स्टेप को फॉलो करके अपने पीएम सम्मान किसान निधि की ई केवाईसी को घर बैठे हुए मोबाइल फोन से आधार ओटीपी के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा और जो लास्ट ऑप्शन आपको दिया जाता है पीएम सम्मान किसान निधि की केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, उसका नाम है उमंग। उमंग एक तरह का ऐप है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, उसमें सरकारी योजनाओं का पूरा लिस्ट मिलती है, सारे सरकारी योजनाओं का उसमें आपको अपडेट मिलता है और आप उसी के थ्रू सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर उमंग ऐप में जैसे ही आप इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन हो जाना है ओटीपी के थ्रू। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आएगा, जहाँ पर आपको सबसे ऊपर कॉर्नर में मिल जाएगा सर्च का ऑप्शन। सर्च ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है किसान सुविधा। किसान सुविधा लिख के जैसे ही सर्च करेंगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पर किसान से संबंधित जितने भी सरकारी योजना है उसकी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है। किसान से संबंधित जितने भी वेबसाइट है या फिर जितने भी ऐप बनाए गए उनकी सारी डिटेल आपको इसी पेज पे मिल जाएगी। यहीं पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा पीएम किसान, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको लेके चला जाएगा और वहां से भी आप पीएम सम्मान किसान निधि की ई केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। इन सारे स्टेप को फॉलो करके अपने मोबाइल फोन से अगर आप पीएम सम्मान किसान निधि की ई केवाईसी को कंप्लीट करते हैं तो आपका जो भी सर्वर प्रॉब्लम आता था वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और सर्वर काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा और पीएम सम्मान किसान निधि की केवाईसी आप घर बैठे हुए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं। अगर आप सीएससी बीएलई है तो भी आप इन सारे स्टेप को फॉलो करके अपने किसान भाइयों का पीएम सम्मान किसान निधि की ई केवाईसी करने में हेल्प कर सकते हैं और कमीशन ले सकते हैं। तो गाइस, यह रही छोटी सी जानकारी पीएम सम्मान किसान निधि के लिए। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर डेली बाय डेली अपडेट होती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।